तूने धोखा दिया। आप यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। आलिया भाभी कहाँ है? आ जाएंगी वो भी, तब तक मैं हेल्प करूँ टेस्ट सिलेक्शन में। आपको ट्रेंड्स का क्या पता? मुझे तो बस इतना पता है कि तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। आपकी लाइफ में जा रही हूँ। बस यकीन नहीं आ रहा कि सुल्ताना आंटी इतनी जल्दी अचानक से मान कैसे गई। कुछ भी हासिल करने के लिए ना एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, और कामयाबी ना एफर्ट से ही मिलती है। थैंक्स फॉर द एफर्ट्स। और एफर्ट से हासिल की गई चीज़ें बहुत कीमती होती हैं। डोंट फॉरगेट दैट। आई कैन नॉट। मुझसे जुड़ी हर चीज़ मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, और तुम मुझसे जुड़ चुकी हो, जानती हो ना। लाइक दिस आउटफिट, ये मुझ सकते हैं ना। वाह भाभी, ये रिंग तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। ये तौकीर ने हमारी एंगेजमेंट के लिए खुद ही पसंद की थी। 8 साल हो गए, अभी तक वैसी की वैसी है। हाँ तो की भाई की चॉइस तो बहुत अच्छी है। तुम्हें रिंग कैसी लगी? आई एम श्योर अच्छी लगी होगी। बल्कि तुम्हारा आउटफिट, ज्वेलरी, इनफैक्ट सारी शॉपिंग आलिया भाभी ने अपनी पसंद से की है। रिंग आपने पसंद नहीं की? मुझे लगा था कि आप रिंग खुद पसंद करके लाएंगे। एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इन सारी चीज़ों को खरीदने का। तुमने बताया नहीं कैसी लगी रिंग? मुझे पसंद नहीं आई। अरे आप इतना सीरियस क्यों होंगे? मेरी पूरी बात तो सुनने। मुझे ये पसंद नहीं बल्कि बहुत बहुत पसंद है। ओह गॉड, तुमने मुझे डरा दिया। लो जी चाय। हलक तो बता, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, कितने प्यार करने वालों के घर में तुमसे शादी हो रही है। आलिया, तौकीर भाई और सबसे बढ़ के कबीर। ये रिंग ये कैसी है? रिंग प्यारी तो है, कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथों में। आपको तो हर चीज ही पसंद आ जाती है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? क्या है इसमें? एक आम सी तो है। ये प्यारी तो है फलक। कबीर जैसा इंसान, इतना बड़ा बिजनेसमैन, करोड़ों पतियात, अपनी इंगेजमेंट पे गोल्ड के रिंग देगा, वो भी मुझ जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को। मैं तो ये चीप चीजें डिजर्व नहीं करती। आपको हैरत नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए कीमती चीजों की कोई वैल्यू नहीं है फलक। मैं लोगों के खलूस को, उनकी मोहब्बत को चीजों से ज्यादा वैल्यू देती। हैरत है मुझे, किस दुनिया में रहती हैं आप? ये तो जिंदगी गुजारने के बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, अब इनको फॉलो तो करना ही पड़ता है ना। फलक, चीजें आपकी जिंदगी में खुशियां नहीं लाती, रिश्ते लाते हैं। तुम कीमती चीजों के पीछे भागने के बजाय रिश्तों को वैल्यू करो, बहुत खुश रहोगी। और ये रिंग, इससे पहले तुम्हारे हाथ में बहुत प्यारी लगती है। और ये सोच के मत पहनो कि ये गोल्ड की है, सस्ती है, कीमती है।
ये सोच के पहनो कि इसे पहना ही किसने। अम्मी ने खुद कितनी मर्तबा जिक्र किया हमारे सामने कि बाबा ने एक दफा एक मामूली से स्टॉल से आम सी रिंग लाके उन्हें दी थी, आज तक उन्होंने संभाल के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि चीजों को उनकी कीमत से नहीं, गिफ्ट करने वाले की वजह से क्रिएट करते हैं। आप शायद ठीक कह रही हैं। अच्छा ये लो अपनी चाय पी लो, मैंने इतने मजे से बनाई है शौक से। ठंडी हो जाए अभी। इवेंट चेक करो, मैंने नई प्रोडक्ट की फोटोशूट भेजी है, अप्रूव्ड है वो। हाँ उसके ब्रोशर्स बनेंगे। ओके सैंपल लाके दिखाऊंगा। हेलो। हाय क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी बोर हो रहा हूँ। हाँ तो हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं ना, किसी अच्छी सी जगह पर। आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और मेरा भी। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन 2 घंटे बाद एक मीटिंग है मेरी, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा तो फिर रहने दें, आप अटेंड कर लें अपनी मीटिंग। नहीं अभी 2 घंटे हैं, मैं आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। नहीं नहीं रहने दें, फिर किसी दिन चले जाएंगे। अगर बाहर टाइम लग गया तो फिर आप मीटिंग पर पहुंच नहीं सकेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, बस मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, मीटिंग में भी टाइम है। ओके कबीर, कबीर ये पेपर्स देख लो, मीटिंग से पहले बहुत जरूरी हैं। भाभी आपने देख लिए ना, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। तुम्हारा देखना भी जरूरी, एक दफा प्लीज से डिटेल से देख लो। आपने देख लिए काफी है ना, मुझे आपकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। कहाँ जा रहे हो, किस बात की इतनी जल्दी है तुम्हें? वो एक दोस्त आ रहा है, उसे एयरपोर्ट से पिक करने जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त आ रहा है मुझे भी तो बताओ। ये आप नहीं जानते ना, 3 बजे मीटिंग है, टाइम देख रहे हो? आ जाऊंगा, मेरा मतलब है जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर लेट हो गया तो आप प्लीज संभाल लीजिएगा ना। आप जानती हैं फ्लाइट्स कभी कभी लेट भी हो जाती हैं, है ना, डिले हो जाती है। यानी अभी से लेट होने का इरादा है? हाँ थबीर आप बिजी थे, मेरा मतलब आपकी मीटिंग थी ना। हाँ थी तो, लेकिन इट्स ओके, भाभी हैंडल कर लेंगी। नहीं मतलब फिर भी आलिया भाभी को पता चलेगा कि आप मीटिंग छोड़कर सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं तो वो नाराज हो जाएंगी। फलक आप टेंशन मत लें, इतना मत सोचें। आलिया भाभी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, एक्चुअली आलिया भाभी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, इनफैक्ट उन्हें तो अच्छा लगेगा। वैसे आप पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है, मैंने कहा था ना आलिया भाभी की चॉइस बहुत अच्छी है, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट बाकी सब चीज़ें भी सबको बहुत पसंद आई हैं, स्पेशली गोल्ड का जो सेट था वो तो सबने बहुत तारीफ की है। वाकई आलिया भाभी की चॉइस बहुत अच्छी है, बस मेरी फ्रेंड्स को इंगेजमेंट रिंग देकर बहुत एतराज था, कह रही थी कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है और इंगेजमेंट रिंग वो भी गोल्ड की, कोई डायमंड की होनी चाहिए थी, मगर मैंने सब कुछ चुप करवा दिया। मैंने कहा डायमंड गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू तो उस इंसान की होती है जो उस प्यार उस मोहब्बत से आपको रिंग पहनाता है। चीजों की तो कोई भी वैल्यू नहीं है। थैंक यू फलक। अरे क्या वापस किस साइड पर जा रहे हैं?
वेट करो, पता चल जाएगा। कभी ये सब क्या है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आप मेरी फ्रेंड्स की बातों को सीरियस मत लें। फलक, मैं आपकी फ्रेंड्स की बातों में आकर ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने दिल से कर रहा हूँ, अपनी खुशी से आपके लिए कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये सब बहुत, अब मैं और कुछ भी नहीं लूंगी, बस अब चलते हैं। कबीर, कबीर प्लीज आओ तो सही। अस्सलामु अलैकुम। आपके पास रिंग्स हैं? जी बिल्कुल है। प्लीज दिखाइए। ओके। आप मुझे क्यों इंबैरस कर रहे हैं? बोला कि इसमें इंबैरस होने वाली क्या बात है, मैं कोई गैर थोड़ी फियांसी हूँ तुम्हारा। ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन 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 कुछ नहीं, बस जैसा मैं कह रहा हूँ तो वैसा आप करें। ये देखें कैसी है, अच्छी है। कबीर आप मेरे लिए मामला मुश्किल करें, नवाल आप फिर मामा को पता चला तो बहुत डांटेंगे मुझे। अरे डांटेंगे क्यों, मेरा तुम पे कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे सकता। ये देखें, ये कैसी है? अच्छी है। फाइनल बताओ ना, अगर अच्छी है तो इसी को फाइनल करते हैं। अब आपने मेरी सुननी तो है नहीं। अच्छी है, ठीक है ले लें। बस ठीक है, फिर फाइनल हो गई है। ये वाली प्लीज पैक कर दें। ओके थैंक यू। और कुछ चाहिए, कोई ब्रेसलेट वगैरह? नहीं कबीर, आप मुझे भी एम्बैरेस मत करें, ये बहुत है। एक्सक्यूज मी, जी भाभी। कबीर वेयर आर यू, यहाँ सब मीटिंग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा, थोड़ा लेट हो जाऊंगा, प्लीज आप देख लें, मैनेज कर लें। कबीर तुम जानते हो ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। भाभी आई एम सो सॉरी, प्लीज मैनेज कर लेना। अच्छा ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। आई नो आप बहुत बिजी हैं, आप ऐसा करें मुझे घर छोड़ा है। परेशान मत हो, मैंने भाभी से कह दिया वो मीटिंग का कंडीशन। थैंक यू। मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आउटिंग तो हो ही जाएगी बाद में भी। जो जरूरी काम है वो मुझे पता है और वो मैं कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ से लंच पर जाएंगे, बहुत भूख लग रही है, उसके बाद घर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है नवाल, मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी लेकिन मुझे कोई बात नहीं है। कल तुम ऑफिस नहीं आई, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। कल मेरी बहन की एंगेजमेंट थी इसलिए नहीं आई। वैसे अब हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो एक दूसरे के लिए परेशान हुआ जाए। नवाल क्या तुम भूल नहीं सकती हो? मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, मुझे तुम्हें बता के जाना चाहिए था। आई अपोलोजाइज। पता है हमजा, इंसान आपको ऐसे नहीं रोन देता, वो सबसे पहले इस बात पर यकीन रखता है कि आप उसके कदमों में ही हैं। इंसान सबसे ज्यादा जमीन अपने पसंद के लोगों के हाथों में उठता है। ऐसा क्या करूं कि तुम भूल जाओ और मुझे माफ कर दो? एक गलती के लिए इंसान को कितनी सजा दी जा सकती है? कुछ गलतियों की सजा सारी उम्र का पछतावा। Thank you.
तूने धोखा दिया।